नमस्कार, मैं पूजा गौर और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पेपराजी ये शब्द बॉलीवुड और उससे जुड़े लोगों के लिए आम शब्द है। पेपराजी वो शख्स है जो जिम के बाहर, किसी स्टूडियो के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर या किसी हनीमून डेस्टिनेशन पर आपको आसानी से मिल सकता है। कुल मिलाकर पेपराजी वहाँ पाए जाते हैं जहाँ बॉलीवुड सेलेब्स होते हैं। पेपराजी की फीड्स आमतौर पर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। हालांकि कुछ सेलेब्स ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें पेपराजी से कितनी दिक्कत है। कुछ स्टार्स पेपराजी पर गुस्सा भी करते हैं क्योंकि वो उनके बच्चों की फ़ोटो क्लिक करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेपराजी को स्टार्स से ही फ़ोटो क्लिक करने के लिए पैसे मिलते हैं? चौंक गए ना। ये बड़ा खुलासा पत्रकार और फिल्म क्रिटिक्स राजीव मंसद ने किया है, तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है। इस बात का खुलासा राजीव मंसद ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में किया है, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने लिखा है, जब मुझे पता चला कि एक अभिनेता जो एक उभरता सितारा है वो लगातार खबरों में रहने के लिए पेपराजी को नियमित तौर पर पेमेंट कर रहा है, ये जानकर मैं काफ़ी हैरान था। मैंने अपनी ये हैरानी एक दूसरे एक्टर के साथ शेयर की जिससे उस दिन मैं मिलने वाला था। एक अन्य एक्टर ने खुलासा करते हुए बताया कि उनके पास एक रिटेनशिप पर फोटोग्राफर्स का एक ग्रुप है जो उनके घर के नीचे उनका फ़ोटो क्लिक करने के लिए इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरेगा तो लोग उनकी फ़ोटो क्लिक करना शुरू कर देंगे। राजीव ने उदाहरण के लिए करीना कपूर, सैफ अली खान के बेटे तैमूर उर्फी जावेद और नीतू कपूर का नाम लिया और बताया कि कैसे पेपराजी इनके लिए पागल है। फिल्म समीक्षक का मानना है कि मुंबई पेपराजी कल्चर अब एक ब्रांड बन चुका है जो बिकने के लिए पूरे तरीके से तैयार है और PR में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि आए दिन सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान, मलाइका अरोड़ा, करीना कपूर, जानवी कपूर समेत कई स्टार्स के जिम लुक और एयरपोर्ट लुक सामने आते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपराजी को इस बात का पता होता है कि स्टार कब और कहाँ मिलने वाले हैं। ये तो थी पेपराजी से जुड़ी जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार।